चक्र प्रवर्तन दिन पर दिग्रस डिपो की ओर से नागपुर रवाना हुई दीक्षा भूमि एक्सप्रेस बस दिग्रस लौटने के बाद उस पर लिखा दीक्षा भूमि एक्सप्रेस नाम दिग्रस डिपो मैनेजर द्वारा मिटाए जाने की शिकायत सामने रखते हुए अंबेडकरी समाज बंधुओं को आपत्ति दर्ज की है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक यवतमाल से शिकायत करने की बात भी उन्होंने कही है। आइए देखते हैं क्या है ये मामला। साल 2016 से दिग्रस डिपो की ओर से हर साल धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य पर दिग्रस डिपो द्वारा एक स्पेशल बस नागपुर रवाना की जाती है। इस बस पर दीक्षा भूमि एक्सप्रेस नाम लिखा होता है। इस बस को सजा धजा कर उसे नागपुर रवाना किया जाता है। लेकिन इस साल यह बस नागपुर से जब दिग्रस लौटी तब डिपो मैनेजर संदीप मड़ावी ने उस पर लिखा हुआ नाम हटाया, इस आशय का आरोप सामने आया है। इस संदर्भ में सोमवार को अंबेडकरी समाज बंधुओं ने इस हरकत पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2021 रोजी आम्ही पोलीस स्टेशनला सगळं शिष्टमंडळाच्या मार्फत एक निवेदन देण्यासाठी आलो होतो। त्याचं कारण असं होतं की दिग्रस आगाराची एक बस आहे, त्या बसवर दीक्षाभूमी एक्सप्रेस 2016 पासून लिहिलेलं आहे आणि दोन चार दिवस अगोदर त्याची त्या दीक्षाभूमी एक्सप्रेस बुडल्या गेली आणि त्यामुळे आमच्या सगळ्यांच्या भावना दुखल्या म्हणून आम्ही पोलीस स्टेशनला इथं आलो व संबंधित डिपो आगाराचे प्रमुख आणि विशिष्ट त्यांचे अधिकारी इथं आलेत, त्यांना आम्ही समजावून सांगितलं आणि त्यांनी ते कबूलही केलं आणि त्यासाठी त्यांनी आजच दीक्षाभूमी एक्सप्रेसवर जशी रंगरंगोटी पहिली होती तसेच देण्याचे कबूल केल्यामुळे आमचं पुढील आंदोलन आम्ही आता मागे घेतो। धन्यवाद। इस दौरान ज्ञापन सौंपने पुलिस थाने पहुंचे समाज बंधुओं ने थानेदार सोनाजी आमले से मुलाकात कर इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद डिपो मैनेजर और शिकायतकर्ताओं को आमने सामने बिठाकर मामले को शांति से सुलझाने का प्रयास किया गया। नाव मिटवल्यामुळे स्थानिक लोकांच्या सगळ्या भावना अशा तीव्र झाल्या होत्या, त्यामुळे पोलीस स्टेशन दिग्रसला आम्ही निवेदन देण्यासाठी या ठिकाणी आलो होतो आणि आमले साहेबांनी याबाबत एक चांगला तोडगा काढला, आगाराच्या कर्मचाऱ्यांना या ठिकाणी बोलवले आणि त्यांना याबाबत सगळी कल्पना देऊन त्यांच्याकडून कबूल करून घेतले की हे दीक्षाभूमी नाव जे आहे ते पूर्ववत टाकण्यात येईल आणि त्यामुळे जो होणारा आनंद आहे तो सुद्धा या ठिकाणी कळला। आपलं या आमले साहेबांचं आणि या प्रशासनाचं या ठिकाणी हा जो वाद आहे हा मिटवण्याबद्दल या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। सूत्रों ने बताया कि डिपो मैनेजर संदीप मड़ावी ने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर बस पर लिखा हुआ दीक्षा भूमि एक्सप्रेस नाम हटाया है। हालांकि सोमवार को पुलिस थाने में हुई बहस में मड़ावी ने उक्त बस पर दोबारा दीक्षा भूमि एक्सप्रेस नाम लिखने का आश्वासन दिया है। समाज बंधुओं की माने तो इस मामले की शिकायत यवतमाल जिला पुलिस अधीक्षक से करने की मांग जोर पकड़ रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर इतना ही कहा जा सकता है कि सभी समाज बंधुओं की भावनाओं का आदर करना सरकार और सभी सरकारी विभागों का फर्ज है। एसटी विभाग भी इससे अछूता नहीं। ऐसे में एसटी विभाग के अधिकारियों को बस पे लिखा दीक्षा भूमि एक्सप्रेस नाम हटाने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं मिल रहा है। इस विभाग की इस बेतुकी हरकत को देखकर यही लगता है कि जैसे उन्हें सामाजिक सद्भावना के पालन की दीक्षा दिलाना बेहद ज़रूरी है ताकि भविष्य में उनसे इस तरह की कोई जल्दबाजी न हो और ना ही किसी भी समाज बंधुओं की भावनाएं दोबारा आहत हो। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।